इस सेमिनार में मंच पर आसीन सबसे पहले इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विचित्रा जी, अभी जिनका हमने एक महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना, मिस्टर शेखर जी और त्रिवेदी जी और सभागार में आप सब दोस्तों, मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता हूँ तो मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ या मैं कुछ नया व्याख्यान के जरिए कुछ, क्योंकि मैं लगता है मैं सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये अवसर मुझे जीवन में नहीं मिला आप लोगों की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैंने जो कुछ पढ़ा स्वाध्याय से पढ़ा, मैंने 3 विषयों में एमए किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, उस चीज से वंचित रहा जो आपके पास है। तो मैं जब आता हूँ मुझे लगता है क्लास में बैठ के मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स पर बात करूंगा, लेकिन छोटा सा जहाँ से आपने शुरुआत की इसे करने में, तो वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। आपने जिस पूरे परिप्रेक्ष्य की, शास्त्रों की, शास्त्रीयता की, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका विरोध किया क्यों किया, बहुत अच्छा आपने उस पर प्रकाश डाला, और विशेष रूप से आपने उपनिषदों का जिक्र किया जहाँ सर्वधर्म सर्वम खलविदम ब्रह्म का जिक्र आता है या अहम ब्रह्मास्मि आता है। उसी में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भी आता है, ये भी उपनिषद, और ये जहाँ जहाँ ये ब्रह्म आ रहा है कि ब्रह्म को सत्य मानना वो सबसे बड़ी सत्ता है, तो जगत को मिथ्या मान लेना, और फिर उसी के साथ में जो हमारा पूरा सौंदर्य बहुत विकसित होता है सत्यम स्वयं सौंदर्यम का, पूरा उसी के ऊपर विकसित होता है हमारा साहित्य का सौंदर्य, शास्त्र विकसित होता है, पूरा सौंदर्य बोध हमारे जीवन का विकसित होता है। और उसी में ही जब कोई कहता है व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कि मुझ में मैं ब्रह्म हूँ, वो व्यक्ति कौन है ये पहचानने की समझने की जरूरत है। जो ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, और जो कह रहा है ब्रह्म सबसे बड़ी सत्ता है, और जो कह रहा है ब्रह्म सबसे बड़ा सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, वो व्यक्ति कहता है जो अपने अंदर ब्रह्म का अंश बताता है, मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है, सबके अंदर ब्रह्म। यदि सबके अंदर ब्रह्म का अंश है तो सब व्यक्ति सब मनुष्य उसी तरह समान कर दूंगा मैं, फिर ये असमान कर दिया। इसका मतलब कि शास्त्र में लिखा है वो कुछ और है, फिनिश कर देना, समाज कुछ और है। मैं समझता हूँ कुछ विद्यार्थियों का समूह है, अपने आप को खुला रखे दिमाग को, और खुला रखे अपने विवेक के अनुसार चीजों को तोड़ करके समझने की आप कोशिश करेंगे तो चीजें आसानी के साथ आप ना केवल ये समझ पाएंगे बल्कि आगे भी चीजों को ले जा सकते हैं, जिन चीजों को आपको ले जाना चाहिए। अभी आपने संविधान का जिक्र किया तो उस संदर्भ में केवल एक छोटी सी बात करूंगा कि मुझे लगता है कि जो जैसा आपने कहा बाबा साहब को तो आज का परिप्रेक्ष्य है, हम रिविजिट क्यों करना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। हम क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का पुनर्विलोकन करना चाहते हैं, उनकी जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं, और बाबा साहब पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाए तो किस रूप में पढ़ाए जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या कौन से विचार बाबा साहेब अम्बेडकर, कौन सा समाज या कौन सा राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं, समाज राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनियां पढ़ाई जा रही है, स्कूली पाठ्यक्रम कहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी में चेयर की है अम्बेडकर थॉट के, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज अभी भी उतनी नहीं जा रही है,
अंबेडकर पर शोध करना एक गलत बात है। अंबेडकर की जीवनी पढ़ लेना, बच्चों को बना देना, वो एक अलग बात है। लेकिन अंबेडकर के थॉट्स को विद्यार्थियों तक पहुंचाना उसी की जरूरत है। वो चीज नहीं हो रही पाठ्यक्रम, ये चीज हम पहले से देख रहे हैं। हम कबीर को पाठ्यक्रम में पढ़ता हुआ देख रहे हैं, कबीर पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है कबीर? कबीर एक भक्त के रूप में कबीर को प्रस्तुत किया जा रहा है कि भक्त कबीर है, राम आ रहा है, भक्ति आ रही है, वहां तहस्यवाद आ रहा है, वो सब चीजें आ रही है, उनकी उलटवासियां आ रही है, उन सब चीजों में उलझा करके हम। लेकिन कबीर को फिर व्यवस्था के कितने बड़े विध्वंसक हैं और कितना वो सामाजिक निर्माण की या मनुष्य के निर्माण की, वो कितनी बड़ी चेतना से परिपूर्ण है, उस चेतना का विस्फोट जहां होना चाहिए वो विद्यार्थियों तक नहीं जाता, विद्यार्थियों तक जाती है। और आज इस समय में भी जब हम खड़े हैं, हम संविधान से शासित एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, हम भारत इंडिया के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं और हम संविधान से शासित हैं। वी आर रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन व्यवहार में हम धर्म से शासित हैं और धर्म की सत्ता इतनी महत्वपूर्ण हो रही है कि उसने संविधान को महत्वहीन कर दिया है। कौन धर्म व्यक्ति को भक्त बनाता है, संविधान व्यक्ति को नागरिक बनाता है, धर्म व्यक्ति को आस्थावान बनाता है, संविधान व्यक्ति को विवेकशील बनाता है, धर्म व्यक्ति को विश्वास करना सिखाता है परंपराओं पर, संविधान उसको वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण करता है। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टि का होना, विवेकशील होना, जब संविधान के अनुसार व्यक्ति ऐसा होगा तो वो बहुत सारी चीजों को जानेगा कि समाज में ये अव्यवस्थाएं हैं जिनको हम समाज में कहते हैं विसंगतियां हैं, बीमारियां हैं, समाज में दोष हैं, ये दोष क्यों हैं, इनकी जड़ कहाँ है और कैसे समाप्त हो सकती है, हम समाज नहीं बन पा रहे तो कैसे नहीं बन पा रहे, हम कैसे बन सकते हैं। ये चीजें एक पृष्ठभूमि के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं उससे थोड़ा सा आगे अपनी बात करूंगा। आज हम ऐसे समय में बाबा साहेब अम्बेडकर पर विचार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में रखेगा, जो ज्ञान का प्रतीक है पूरी दुनिया के। और बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन को इंटरनेशनल लेवल पे एक नॉलेज डे के रूप में मनाया जा रहा है। नॉलेज क्या है ये हमें समझना चाहिए। जो सिंबल ऑफ नॉलेज है तो वो नॉलेज कोई वो ईश्वर को जानने वाली नॉलेज नहीं है, जैसा कि धर्म हमको सिखाता है ना, जो इनको कृष्णों की आप बात करते हैं मैं तो लोगों को वही कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो कि मुझे सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, है ना, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, ये जो चीजें हैं। तो राष्ट्र कौन है वो असत्य चाहे ब्रह्म, कि मैं उसको जानने जो उसको जानता है, ईश्वर को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान है। तो अंबेडकर ऐसे ज्ञान के प्रतीक नहीं है, अंबेडकर उस ज्ञान के प्रतीक हैं जो मनुष्य और मनुष्यता को जानने का आग्रह करते हैं। तो मनुष्य को जाने, मनुष्यता को जाने, उसे समझें और तब कैसे आप अपना परिष्कार करके आप कैसे मनुष्य बन सकते हैं, ये नॉलेज के इसके प्रति डॉक्टर है। और इसमें जो ज्ञान की हम बात करते हैं, ज्ञान में होता है मनुष्यता, ह्यूमन वैल्यूज। कोई भी ज्ञान किसी भी क्षेत्र में यदि उसमें ह्यूमन टच
स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन पर स्टूडेंट का 300 रुपए है और डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए संबल ऑफ नॉलेज है, इसीलिए ज्ञान के प्रतीक है कि उन्होंने जो कुछ दिया विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धर्म संस्कृति के क्षेत्र में, उन्होंने क्षेत्रों में जो कुछ दिया वो सब मनुष्य के लिए, समाज के काम आने के लिए दिया। और इसीलिए संविधान भी बनाया तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट की कल्पना की, कल्याणकारी राज्य की कल्पना। और कल्याणकारी राज्य वो होता है जिसमें सभी राज्य के सभी नागरिकों के हितों का संरक्षण हो, आपके संविधान इसमें जितना भी सभी नागरिक हैं उनको फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखते हुए सभी राष्ट्र के सभी नागरिकों को समान अधिकारों का अधिकार, उनको समान अधिकार होंगे। और जो संविधान का प्रियम्बल है जिसका आप जिक्र करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and so on, जो आगम कहते हैं, उसमें जो अवसर की समानता, सभी लोगों के लिए अवसर की समानता, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की समानता, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म का मान सके, अपने ढंग से उपासना की प्रतिज्ञा विश्वास अपने उनको मान सके और अपने अपने ढंग से वो उनका अवसरों का लाभ, सबको समान अवसर मिल सके। लेकिन जो हमारा धर्म से शासित व्यवस्था है वो इस समानता की, इसलिए डॉक्टर ने शास्त्र का विरोध किया, क्योंकि व्यक्ति को शास्त्र व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते, व्यक्ति की समानता का समर्थन नहीं करते। और जिस हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत गर्व के स्वर में कहते भी हैं कभी कभी कि जो हमारा को जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस पर कि हम तो जो बहुलता आबादी समाज में हम एकता की भावना रखते हैं, ये इतना बड़ा भ्रम है मुझे समझ नहीं आता तो वो विद्वान लोग कैसे डाइवर्सिटी और डिवीजन का मतलब नहीं समझते। हमारा समाज एक विविधतावादी समाज नहीं, विविधता का अलग मतलब है, यहाँ जिस संदर्भ वाद एकता की होती है तो ये विभाजित समाज है, वर्णों में जातियों में संप्रदाय में विभाजित है, ये विविधता नहीं है। विविधता ये है कि एक आदमी कुर्ता पजामा पहनता है, एक आदमी पैंट शर्ट पहनता है, एक टाई पहने बैठे हैं, कोई आदमी डोसा खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है, अलग अलग तरह का कोई मांस मछली खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, वो विविधता हो सकती है, हमारी भाषाओं की विविधता हो सकती है। लेकिन ये जो विभाजन है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहकर सब गौरवान्वित करते हैं, वो जो कुटुंब है ये कुटुंब नहीं है, ये तो वर्ण और जातियों में विभाजित हमारा एक समूह है, इसलिए इसको समाज शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता, हम एक समाज है, क्योंकि समाज के लिए समानता का होना बहुत जरूरी है। जब तक कहीं पर भी समानता नहीं होती समाज नहीं बनता, पर हम समाज नहीं है, हम ऊंच नीच की भावना से भरे पड़े हैं, हम छुआछूत की भावना से भरे पड़े हैं, हम व्यक्ति को समान मानने के लिए तैयार नहीं है, हम व्यक्ति को समान अवसर देने के लिए तैयार नहीं है, समान स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं है, सबकी इच्छाओं का गरिमा का हम सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, हम समाज कैसे हैं? हम समाज नहीं है, हम मनुष्यों का समूह है और समाज है हम जातियों के समाज हैं, हम संप्रदायों के समाज हैं, हम जातियों के समाज हैं, हम एक मुकम्मल भारतीय समाज हैं। और जब तक हम समाज नहीं बनते तब तक हम वास्तव में यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को परिप्रेक्ष्य में हमें समझनी पड़ेगी, उनके विचारों को परिप्रेक्ष्य कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जिन किताबों का जिक्र किया उनके लेखन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से और संविधान के माध्यम से जिस राष्ट्रवाद को विकसित करने की कोशिश की, जिसकी कल्पना उन्होंने की नेशनलिज्म की, वो इंडियन नेशनलिज्म की कल्पना की, भारतीय राष्ट्रीय कल्पना की उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीयता की कल्पना बहुत खंडित है, हमारे यहाँ या तो हिंदू राष्ट्रवाद है, या तो मुस्लिम राष्ट्रवाद है, या तो मतलब या तो कास्ट नेशनलिज्म है, या तो कम्युनल नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म की कल्पना हमारे यहाँ बहुत कम है। व्यक्ति गर्व करता है कि मैं गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम भारतीय, ये कोई नहीं कहता, गर्व से कहो हम हिंदू है, ये हर कोई आदमी और कहना चाहता है। हर आदमी से पूछा आपकी पहचान आप कौन है तो अपनी जाति बताने में गर्व कर देगा, लेकिन अपने आप को भारतीय बताने में गर्व नहीं करेगा,
तो ये जो राष्ट्रवाद, अब अपनी जाति की पहचान के साथ जिंदा रहने वाला व्यक्ति, अपनी जाति पर गर्व करने वाला व्यक्ति भारत को राष्ट्र नहीं बना सकता। ये राष्ट्र तब बनेगा जब ये मानसिक संकीर्णता, ये मानसिक प्रदूषण ये खत्म होगा। डॉक्टर अम्बेडकर इससे मुक्त करना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि जातिविहीन और वर्गविहीन समाज, ये केवल अकेला वर्ग नहीं बनेगा, जब तक जातियां हैं जातियों को रहते वर्ग भी नहीं बन सकता, तो जातियां अपने वर्ग नहीं बनने देगी। तो इनको इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा, उन्होंने खुद कहा कि मैं उदाहरण भी, उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछो कि आप कौन है, तो कहेगा मैं पहले ब्राह्मण हूँ बाद में कुछ और, मैं पहले क्षत्रिय हूँ बाद में कुछ और, मैं पहले मुसलमान हूँ, पता नहीं जो भी अपने आप से कहता है, कोई आप ये नहीं कहता कि भारतीय हूँ भारतीय हूँ भारतीय हूँ, ऐसा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर एक पहले आत्महत्या से मिलेंगे कि जो कहते थे कि मैं पहले भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। पैट्रियटिज्म की एक मिसाल है, सस्ती राष्ट्रभक्ति साहब कह सकते। तो डॉक्टर अम्बेडकर समझने में नहीं कहते हैं उसमें, और ये सब चीजें वो आदमी कह सकता है जो अपने आप में वैचारिक रूप से नहीं चारित्रिक रूप से बहुत दृढ़ है, और यह होना चाहिए जिसको। डॉक्टर अम्बेडकर जितने विचारों के साथ मजबूत हैं वो अपने सिद्धांतों के साथ और मूल्यों के साथ उतने ही टिके, इसलिए वो चारित्रिक रूप से बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई उदाहरण नहीं दे सकता कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी गलत साधन का उपयोग किया। ये पूरा जिन लोगों ने अम्बेडकर को पढ़ा है वो जानते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़े अम्बेडकर को और जाने कि इतने बड़े लंबे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कभी किसी नेता पर मिथ्या आरोप नहीं लगाया, कभी किसी पर चारित्रिक टिप्पणी नहीं की, कभी कोई तथ्यहीन बात उन्होंने नहीं की, चाहे चुनाव हार गए लोकसभा चुनाव जीत कर नहीं पहुंच सके उसकी परवाह नहीं, लेकिन कभी गलत साधन का प्रयोग नहीं किया। जो एक राशि निर्धारित है इतने पैसे में चुनाव लड़ना है, अम्बेडकर ने उसे एक पैसा भी खर्च चुनाव में खर्च नहीं किया। बेटा मतलब होता ना, हमारा कहा जाता है भाई साध्य की साध्य यदि पवित्र हमारा हो, हमारा गोल यदि अच्छा हो तो जो साधन है उसका महत्व तो कम हो जाता है, हम कोई भी इस्तेमाल कर ले कोई बात नहीं, हमारा महान लक्ष्य के लिए छोटी मोटी भूलें सब चल जाती है। लेकिन अम्बेडकर ने कहा इतना उसूल पर टिकने वाला व्यक्ति, और इतना कि आज हम सब देख रहे बड़े से बड़ा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर पर कभी कोई भ्रष्टाचार को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये उदाहरण है जब डॉक्टर अम्बेडकर के CPWD जो लेबर उसके पास था और CPWD विभाग उनके पास था, तो खुशवंत सिंह के पिताजी सरदार शोभा सिंह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और उनको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था CPWD का, और वो जानते थे डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, वो ऐसा नहीं देंगे। तो उन्होंने नानक चंद्र अत्तू को पकड़ा उनके असिस्टेंट और उनके जरिए डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे यशवंत राव को पकड़ा कि भाई उनसे डॉक्टर अम्बेडकर को कन्विंस करो वो पैसा ना ले, हम एक फर्म बनाएंगे, उस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और उस फर्म में यशवंत राव की पार्टनरशिप होगी, जो भी बन जाए। यशवंत राव तैयार हो गए और जब नानक चंद्र दत्तू ने डरते डरते उनसे कहा कि भी बाबा साहब वो आए हैं शोभा सिंह मिलने के लिए, तो कह रहे वो यहाँ किस लिए आए, कॉन्ट्रैक्टर को दफ्तर मेरे साथ उनसे कहा, उनसे कहो मैं दफ्तर में आए घर पे नहीं, वो अलीपुर छब्बीस अलीपुर रोड पर आए गए बीते भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं सब वो आग्रह कर रहे हैं और कह रहे किस लिए, कह रहे कि सब वो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ था और वो कह रहे हैं कोई वो भैया जी जसवंत राव को भैया जी बोलते थे कि भैया जी की उस घर में पार्टनरशिप हो जाएगी और वो कह रहे हैं आपको वो कुछ नहीं करना, उसकी फाइल क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा पहले तो उसको चाय मत पिलाओ पानी मत पिलाओ शोभा सिंह को वापस भेज दो, क्योंकि शोभा सिंह बहुत बड़ी हस्ती थे उस समय। दूसरा काम उसी टाइम उन्होंने कहा यशवंत राव को मुंबई भेजो, उसी टाइम उसी दिन उसी शाम से अपने बेटे को वापस भेज दिया मुंबई, ये यहाँ दिल्ली में रहना नहीं चाहिए अपना।
जो निशान डॉक्टर अम्बेडकर जो मॉरल है डॉक्टर, सुभाष कश्यप जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी रहे इतने लंबे समय पर, उन्होंने किताब लिखी है और एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को देखा पार्लियामेंटेरियंस को, और जो हमसे कहा सबने छोटा से लेकर बड़े तक सबने कोई ना कोई हमसे गलत काम कराया, नियम विरुद्ध काम कराया, लेकिन एक डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नियम के अलावा उनसे कोई काम नहीं कराया। बहुत बढ़िया, मॉरल प्रिंसिपल। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब हम पढ़ते हैं तो हम जब उनको समझने की कोशिश करते हैं हमें इस रूप में समझना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो लिख रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो बोल रहे हैं, वो वैल्यू बेस्ड है, वो मॉरल बेस्ड है, वो उसमें कहीं भी लफाजी नहीं है, कोई झूठे आश्वासन नहीं है, झूठे सपने नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर मानवीय करुणा जितनी भरी है उनके मन तक दुखों को, अब हालांकि हमारे में एक परंपरा है कि अम्बेडकर को सीमित करके देखना कि ये तो महानों के नेता हैं, ये तो अछूतों के नेता हैं, ये तो दलितों के नेता हैं, उन्होंने तो उनको आरक्षण दिला दिया, उन्होंने उनके लिए ये काम कर दिया, अम्बेडकर को सीमित करके देखने के हमारे यहाँ एक समूह है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तरस आता और क्या कह सकते हैं उनको, हम ये नहीं कह सकते वो जो सोच रहे सही सोच रहे होंगे अपने ढंग में, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपनी सोच के दायरे को छोटा बड़ा करना चाहिए, और जब हम विचार कर रहे हों हमें खुले दिल से विचार करना चाहिए। जिस डॉक्टर अम्बेडकर की हम आलोचना कर रहे हैं, और यदि कह रहा हूं अम्बेडकर ने गलत काम किए हैं, और अम्बेडकर को इसलिए कुछ लोगों ने अम्बेडकर को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा, अम्बेडकर को देशद्रोही कहा, आदि लोग कहने के लिए तैयार है, क्योंकि दबे सुर में आदि लोग कहते हैं अम्बेडकर को देशद्रोही या देश का गद्दार या जो भी कुछ कह लीजिए, बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ लोगों को तो अम्बेडकर दुश्मन की तरह लगते हैं, आज भी लगते हैं, इसलिए अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ेंगे, उनके मुंह पे चप्पल मारेंगे, उनके मुंह पे काली कूदेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे अम्बेडकर को, उन्हें लगता है क्योंकि अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, अम्बेडकर सिर्फ मूर्त नहीं है, अम्बेडकर एक बहुत बड़ा विचार है। आप मूर्ति तोड़ सकते हैं लेकिन आप विचार को खंडित नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति को कहीं खत्म कर सकते हैं लेकिन अम्बेडकर अपने आप में बड़ा आंदोलन है, उसको कैसे खत्म, आंदोलन मतलब वैचारिक आंदोलन, एक विवेक का